हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल अनिल महावर साइंस स्टडी। डियर 9th क्लास के स्टूडेंट्स, आपने इससे पिछले वीडियो में देखा था कि ठोस, द्रव और गैस क्या होते हैं और उनके गुणधर्म क्या है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि पदार्थ पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसको एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं और इसके निष्कर्ष के आधार पर हम एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन लेंगे कि गलनांक क्या होता है। वह तो हम देखते हैं, एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। पहले एक्सपेरिमेंट को देखते हैं तो हम एक स्टैंड लेते हैं और स्टैंड में एक थर्मामीटर को कैच करते हैं, थर्मामीटर को लगाते हैं अच्छे से और एक बीकर लेते हैं, उसमें 150 ग्राम बर्फ डालते हैं और नीचे बर्नर सेट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि जब बर्नर को स्टार्ट किया जाता है तो स्टार्ट करने से पहले इसका टेम्परेचर नोट कर लेंगे थर्मामीटर से, है ना, और फिर गर्म करेंगे, बर्नर को ऑन करेंगे और धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगेगी, तब इसका गलनांक नोट कर लेंगे कि, और थर्मामीटर से टेम्परेचर नोट करते जाएंगे। और इस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या निष्कर्ष निकालते हैं ये देखते हैं कि ऊष्मा के कारण बर्फ के कणों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिसके कारण कण स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं और बर्फ द्रव अवस्था में पिघल जाती है। इट मीन्स हम क्या समझ सकते हैं कि जब ऊष्मा दी जाती है तो बर्फ के जो कण पास पास होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं, कल हमने देखा था कि ठोस अवस्था के कण पास पास होते हैं जिसके कारण इनमें आकर्षण बल की वजह से पास पास होते हैं, परंतु जब बर्नर के द्वारा ऊष्मा दी गई तो कणों के अंदर ऊर्जा उत्पन्न हो गई और ऊर्जा उत्पन्न होती कौन सी ऊर्जा उत्पन्न हुई, गतिज ऊर्जा उत्पन्न हुई और गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी है ना, और गतिज ऊर्जा के कारण ये कण थोड़े दूर दूर जाने लगे, थोड़े दूर दूर जाने लगे। तो हमने कल देखा था द्रव पदार्थों के कण थोड़े दूर दूर होते हैं तो ये बर्फ किसमें बदल गई, परिवर्तित होकर द्रव अवस्था में बदल जाती है। तो इस तरीके से यह गतिज ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल गई और यह बर्फ किसमें बदल गई, द्रव अवस्था में बदल गई। तो इस आधार पर हम देखते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं गलनांक क्या होता है। गलनांक क्या होता है, वह निश्चित तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव अवस्था में बदल जाता है गलनांक कहलाता है। वह निश्चित तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव अवस्था में बदल जाता है गलनांक कहलाता है। बर्फ का गलनांक 273.16 डिग्री केल्विन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे नोटबुक में लिख सकते हो और आपके चैप्टर वाइज नोट्स प्रिपेयर होते जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको कैसा लगा, चैनल को देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो। थैंक यू वेरी मच, गुड डे।